श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर के बॉडी क्या ला रहे हैं लोग, एक जो बॉडी मतलब जो भी है जिनकी 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 पहचान हो गई है उसको लेकर के बॉडी पहले आएगी दिल्ली, दिल्ली से फिर लखनऊ आएगी 5:30 बजे सुबह। इसको दिल्ली में कुछ प्रोग्राम सीआरपीएफ वगैरह के लोग भी जानते हैं कि क्या हुआ है और प्रेस के लोग भी सब जानते हैं कि इतना भारी उसमें एम्यूनिशन था। सोचा कब भैया चूक हो गई, इतना एरिया एम्यूनिशन बहुत था, बहुत एम्यूनिशन। वो तो पहले प्रेस के बता रहे कि बस ही नहीं बता पाए कि बस हैवी गई है कि नहीं गई, आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बहुत दिनों के बाद बहुत बड़ी बात, सबसे बड़ा इनका तो आप लोगों की जिम्मेदारी है पढ़ाना। सुनो नहीं, आप पढ़ रहे हो बेटा है? हाँ। किस स्कूल में पढ़ रहे हो बेटा? डॉक्टर वीरेंद्र सरोप एजुकेशन सेंटर नवाबपुरी। मेहनत से पढ़ना है, अच्छा है वो तो, अच्छा स्कूल है। ये नहीं पढ़ती हुई है बेटा? डेढ़ साल। हाँ ये कुछ नहीं है बेटा, जो घटना हुई तो हाथ क्या था? ये हाथ बहुत दुखद है और ऐसी घटना जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जो जवान अपनी छुट्टी से जा रहे थे वो अचानक इतनी गंभीर घटना हुई जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों की जान चली गई, ऐसे धरती माँ के सबूत हमारे जिन्हें सीमा की सुरक्षा और हमारी सबकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी, उन्हें अगर मौका मिल जाता, अगर उन्हें थोड़ा भी मौका मिल जाता तो शायद ये घटना नहीं होती, वो आतंकवादियों से मुकाबला कर लेते। ये बड़ी चूक है, जहां सड़क पर इतना बड़ा कॉन्वॉय का मूवमेंट हो, जहां मूवमेंट इतना बड़ा जवानों का चल रहा हो, वहां पर सुरक्षा की जो इंतजाम होने चाहिए थे वो पर्याप्त नहीं थे। जिनको सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही दुर्भाग्य से इस घटना में उन्हीं लोगों की जान चली गई। ये इधर वर्षों में ऐसी गंभीर घटना, बड़ी घटना नहीं हुई जिसमें इतने जवानों की जान चली गई हो। जो हम लोगों ने खोया है धरती मां का सपूत, जरूर एक सेना का या सीआरपीएफ का जवान हमने खोया है, लेकिन एक परिवार का बेटा भी खोया है। किसान ने एक अपना बेटा खोया है, दो बेटियां हैं, एक छोटी बेटी है, बड़ी बेटी तो समझदार है, वो समझ रही बात को, छोटी बेटी नहीं समझ पा रही है कि क्या हुआ होगा। पूरा परिवार दुखी है, इस दुख में हम सभी शामिल हैं, पूरा देश की जनता शामिल है कि ऐसी घटना देश के सामने न हो, हमारे वीर जवानों की जान न जाए। ये दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।